अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अश्विन को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि विराट कोहली की कप्तानी में आज भारतीय टीम T20 विश्व कप 2021 के अपने चौथे लीग मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में मैच खेलने के लिए उतरी, जहाँ पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और टॉस कर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और वहीं हम आपको बता दें कि आज की ये पिच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से अनुकूल थी और यहाँ पर कोई भी कप्तान अगर टॉस जीतता तो वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला लेता, क्योंकि इस पिच पर पहली पारी में गेंदबाजी से काफी ज्यादा मदद मिलती हुई दिखाई दे रही थी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता, विराट कोहली ने लगातार इससे पहले T20 मैच में लगभग 13 टॉस लगातार हारे थे, लेकिन अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने यहाँ टॉस जीता और विराट कोहली का आज 33वां जन्मदिन भी रहा। तो वहीं हम आपको बताएं कि आज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम उतरी तो यहाँ पर स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मैदान पर जॉर्ज मंसी और काइल कॉर्ट्जर, जहाँ पर जॉर्ज मंसी और काइल कॉर्ट्जर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर काइल कॉर्ट्जर जो कि स्कॉटलैंड टीम के कप्तान है उन्होंने कुछ भी ज्यादा खास प्रदर्शन इस दौरान करा नहीं। जी हाँ, जैसे कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि उन्होंने मात्र 7 गेंदों में 1 रन की पारी खेली और उनका विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने, जहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें सीधा बोल्ड आउट कर दिया और वो भी तीसरे ओवर की ही तीसरी गेंद पर। और इसी के साथ स्कॉटलैंड की टीम अच्छी बल्लेबाजी कर पाती, उससे पहले ही स्कॉटलैंड की टीम को यह पहला बड़ा झटका कप्तान के रूप में लग गया और 13 रन का कुल स्कोर यहां पर स्कॉटलैंड की टीम का पहले विकेट तक था। लेकिन दोस्तों फिर जब मैदान पर मैथ्यू क्रॉस उतरे काइल कॉर्ट्जर के आउट होने के बाद, तो मैथ्यू क्रॉस और जॉर्ज मंसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और वहीं यहां पर जॉर्ज मंसी चौके और छक्कों की बरसात करते हुए नजर आए और वहीं एक ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन के उन्होंने 4 चौके ठोक डाले। लेकिन दोस्तों यहां पर किसी को क्या ही पता था कि मोहम्मद शमी जो कि अपना इस मैच में पहला ओवर लेकर आएंगे, उसी ओवर की वो दूसरी गेंद पर जॉर्ज मंसी जो कि घातक रूप में दिखाई दे रहे थे उनका विकेट चटका देंगे। जी हां दोस्तों, मंसी आज के इस मुकाबले में 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए और उनको मोहम्मद शमी ने कैच आउट हार्दिक पांड्या के हाथों करवाया और जॉर्ज मंसी का विकेट छठे ओवर की दूसरी गेंद पर गिरा और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया था। और वहीं फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रिची बैरिंगटन, लेकिन यहां पर भारतीय गेंदबाजों की आज के इस मुकाबले में तारीफ करनी होगी, जहां पर शुरुआती कुछ ओवर में भारतीय गेंदबाज काफी ज्यादा रन बरसाते हुए नजर आए, लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने मैच को कंट्रोल किया और स्कॉटलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया वो काबिले तारीफ है। बाकी अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के बारे में और आप इनकी बल्ले गेंदबाजी को 10 में से कितना अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।